चलिए बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। इटली विल विड्रॉ फ्रॉम चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। जी हाँ बिल्कुल, चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से इटली अपना विड्रॉल लेने वाला है, और ये कह सकते हैं भारत के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल न्यूज है। प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी सेड दैट द डील डिड नॉट बेनिफिट इटली। जी बिल्कुल, यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी जी ने कहा है कि ये जो डील थी चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की, वो उनके कंट्री को बेनिफिट नहीं कर रही है। चलिए बात करते हैं इसके बारे में। वर्ल्ड की वेरियस न्यूज मीडिया एंड वेरियस न्यूज पेपर्स ने इसे कवर किया है। डिडनेस प्रोड्यूस द रिसर्च वी होप फॉर इटली एग्जिट चाइनाज बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट। चलिए, इटली प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी पुल्ड हर नेशन आउट ऑफ चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। सो इटली वॉज द ओनली G7 नेशन टू साइन अप फॉर द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। G7 नेशंस के अंदर शामिल होने वाला इटली एकमात्र देश था जिसने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को साइन अप किया था, और हाल ही के अंदर उन्होंने शी जिनपिंग के इस प्रोजेक्ट को लीव कर दिया और प्रिडेटरी बताया नेचर के अंदर। बिग ब्लो टू द चाइना इटली टू लू बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ज्वाइनिंग चाइनाज BRI वॉज अ मिस्टेक, इट हैज बीन सेड बाय द इटली प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी जी। हाल ही में आप देख सकते हैं जॉर्जिया मेलोनी और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वेरियस प्लेटफॉर्म पर बहुत ही अच्छी दोस्ती दिखाते हुए आए हैं भारत और इटली के रिलेशंस के रिगार्डिंग। एज यू कैन सी, यहां पर नरेंद्र मोदी जी ने रीट्वीट किया था गुड फ्रेंड्स एट अ COP28। जॉर्जिया मेलोनी जी ने ये हैशटैग यूज किया था, दैट इज मेलोडी, मीटिंग फ्रेंड्स इज ऑलवेज अ डिलाइट। चलिए, तो इटली ऑफिशियली विड्रॉज फ्रॉम चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव एंड फॉर्मली एग्जिट करेगा चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से। दिस कम्स एज अ ब्लो टू द प्रेसिडेंट शी जिनपिंग्स एफर्ट टू रिवाइव द मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। जी बिल्कुल, शी जिनपिंग जी जिनके हौसले और उनके आयाम अलग ही चरम पर रहते हैं चाइना को लेकर, और उनके इस हौसलों को इटली ने एक ब्लो दिया है एग्जिट करके चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से। हाल ही के अंदर हमने देखा था बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से लेकर एक मीटिंग कंडक्ट हुआ था चाइना के अंदर, जिसमें ओवर 130+ कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था, और उसकी मेजर हाईलाइट ये रही थी कि रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन उस मीटिंग के अंदर शिरकत करे थे। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के अरेस्ट वारंट के बावजूद चाइना में विजिट करे थे व्लादिमीर पुतिन, सबसे बड़ी हाईलाइट रही थी चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की एनुअल मीटिंग की। 2019 के अंदर इटली G7 का ओनली नेशन बना था जिसने चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के लिए साइन अप किया था। चलिए, व्हाई डिड इटली पुल आउट ऑफ BRI, किस वजह से इटली ने पुल किया है BRI प्रोजेक्ट से। प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी टुक ऑफिस द लास्ट ईयर, पिछले साल प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी ने इलेक्ट हुई और ऑफिस संभाला है। शी सेड शी वांटेड टू विड्रॉ फ्रॉम द डील व्हिच इज मॉडल्ड ऑन द ओल्ड सील ड्रुक दैट लिंक टू द चाइना टू द वेस्ट, सेइंग इट हैड ब्रॉट नो सिग्निफिकेंट गेन्स टू इटली। तो यहां पर जॉर्जिया मेलोनी जी का कहना है कि ये जो मॉडल है ओल्ड सिल्क रोड पर बना हुआ है और लिंक है चाइना को वेस्ट से लिंक करने के लिए, और इससे इटली को किसी भी तरीके का गेन होता हुआ दिख नहीं रहा है। आई थिंक दैट वी शुड इम्प्रूव अवर कोऑपरेशन विद चाइना ऑन ट्रेड एंड इकोनॉमी, द टूल ऑफ द BRI हैज नॉट प्रोड्यूस द रिजल्ट दैट वी वर एक्सपेक्टेड। ठीक है, तो यहां पर जॉर्जिया मेलोनी जी का कहना है कि हम चाइना के साथ में कोऑपरेशन बिल्ड करेंगे ट्रेड में, इकोनॉमी में, लेकिन BRI जो है हमारी कंट्री को किसी भी तरीके से बेनिफिट नहीं कर रहा है, इसलिए वी आर पुलिंग आउट ऑफ इट। 2019 के एकॉर्ड के बारे में बात किया जाए जो 2024 के अंदर एक्सपायर हो रहा था एंड वुड हैव बीन ऑटोमेटिकली रिन्यूड अनलेस रोम गेव एटलीस्ट 3 मंथ्स। तो यहां पर ऑटोमेटिकली रिन्यू हो जाती मेंबरशिप अगर रोम उसको अप्रूवल देता, बट रोम ने यहां पर नहीं दिया, इटली की कैपिटल है रोम, दैट इज वाई। द कॉन्ट्रोवर्सी सराउंडिंग BRI के अराउंड क्या क्या कॉन्ट्रोवर्सी सराउंड करती है। चले, विद द BRI चाइना हैज बिकम अ मेजर फाइनेंसर ऑफ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स ऑन अ पार विद द वर्ल्ड बैंक। जी बिल्कुल, वर्ल्ड बैंक के साथ में ही चाइना जो है वर्ल्ड के अंदर वेरियस कंट्रीज को फाइनेंस प्रोवाइड कर रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए, और वो वर्ल्ड बैंक के मुकाबले में एकदम कंधे से कंधा मिला के चल रहा है इन कॉम्पिटिशन। चीज इनिशिएटिव हैज बिल्ट पावर प्लांट्स
रोड्स बनाए हैं उन्होंने, रेल रोड्स, पोर्ट्स बनाए हैं कंट्रीज के अंदर। आप सभी ने देखा श्रीलंका के अंदर डेवलपमेंट किया गया है, बांग्लादेश के अंदर, म्यांमार के अंदर, ठीक है। और चाइना के टाइज जो है अफ्रीकन कंट्रीज, एशिया, लैटिन अमेरिका और मिड ईस्ट तक डिपेंड होते जा रहे हैं। हाउएवर द मैसिव लोन्स बैकिंग द प्रोजेक्ट्स हैव बर्डन पुअरर कंट्रीज। ऑल राइट, ये सभी हमने हाल ही के समय में काफी बार देखा है कि चाइना के जो मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स है उसकी वजह से जो छोटी छोटी कंट्रीज है इन लोगों को पे नहीं कर पाती है और अपनी कोई ना कोई प्रॉपर्टी उनको लीज पर देनी पड़ती है, जैसा हमने पाकिस्तान के साथ में देखा, श्रीलंका के साथ में देखा। मॉरिशियस, मालदीव्स आर द नेक्स्ट कंट्री इन द लाइन ऑफ डेब्ट ट्रैप ऑफ चाइना, इन सम केसेस लीडिंग टू द चाइना टेकिंग कंट्रोल ऑफ दिस एसेट्स। ऑल राइट, चाइना की गवर्नमेंट सेज इनिशिएटिव ने मोर देन 3000 प्रोजेक्ट्स गैल्वेनाइज किए, नियरली 1 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है वर्ल्ड के अंदर। आप देख सकते हैं 1 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है 3000 प्रोजेक्ट्स के अंतर्गत बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। इट हैज ऑल्सो अट्रैक्टेड क्रिटिसिज्म फ्रॉम US, इंडिया एंड अदर्स डेट चाइना इज इंगेजिंग इन द डेब्ट ट्रैप। वेरी इंपॉर्टेंट टर्म डेब्ट ट्रैप, आपने कई बार सुना होगा आपके जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटेजीज के अंदर कि डेब्ट ट्रैप चाइना की एक डिप्लोमेसी है, एक स्ट्रेटेजी है वर्ल्ड के अंदर वेरियस कंट्रीज के अंदर इन्वेस्टमेंट करना और उन कंट्रीज के ऊपर इतना हैवी लोन इम्पोज कर देना जिसको वो रीपे ना कर पाए, और रीपे करने के लिए यहाँ पर कुछ ना कुछ चीज उन्हें लीज पर देनी पड़ती है और वो चीज या फिर वो लैंड स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बन जाता है चाइना का, जैसा हमने देखा श्रीलंका ने हम्बनतोता पोर्ट, पाक का ग्वादर पोर्ट। Making loans, Beijing new governments would likely default on and enabling China's interest to take control of the asset, जो हमने बात किया अभी। An off-site example, अगर हम बात करें, Sri Lankan government ended up leasing to a Chinese company for 99 years. जी बिल्कुल, Chinese की China की company को 99 years के लिए हम्बनतोता port यहाँ पर देना पड़ा because Sri Lankan government was not able to repay the loan. चलिए, China's debt trap diplomacy. इसके बारे में अगर हम बात करें वेरियस कंट्रीज की जद में और आने वाले समय में और भी कंट्रीज इसके जद में आने वाली है, ये सभी हम देखते जाएंगे। चलिए बात करते हैं यहाँ पर वेनातू, बीजिंग हैज प्रोवाइडेड $54 मिलियन लोन टू बिल्ड 360 मीटर लुगेनवाइल एंड 47 मिलियन टू बोथ प्रोजेक्ट्स कैन डबल एज मिलिट्री बेसिस, ठीक है। वेनातू के अंदर, म्यांमार के अंदर प्रोजेक्ट्स, ठीक है, साथ ही में श्रीलंका का हम्बनतोता पोर्ट, ग्वादर पोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जिबूती के अंदर आइलैंड दैट इज मिलिट्री बेस, चाइना का पहला ओवरसीज मिलिट्री बेस जिबूती के अंदर सेटअप किया गया है, क्याकू आइलैंड ऑफ म्यांमार, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये सभी कंट्रीज अभी डेब्ट ट्रैप की स्ट्रेटेजीज में इन्वॉल्व है। डेब्ट एक्सपोजर टू द चाइना, पाकिस्तान का आप डेब्ट ट्रैप देख सकते हैं सबसे हाईएस्ट है, नंबर वन पे है डेब्ट एक्सपोजर टू द चाइना के अंदर। उसके बाद में इंडोनेशिया, वियतनाम, लेओस, श्रीलंका, बांग्लादेश, मलेशिया, म्यांमार, कंबोडिया, पापुआ न्यू गिनी, ये सभी कंट्रीज डेब्ट ट्रैप के अंदर आ चुकी है। पब्लिक डेब्ट और हिडन डेब्ट के अंदर बात किया जाए, आप देख सकते हैं मोस्टली यहाँ पर साउथ एशियन कंट्रीज है जो इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज बनती है, बे ऑफ बंगाल के अंदर, स्ट्रेट ऑफ मलक्का के अंदर इंपॉर्टेंट रिसोर्सेस है, जैसे आपके मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया के बारे में बात करें हम। साउथ चाइना सी कंट्रीज वियतनाम, लेओस, कंबोडिया, पापुआ न्यू गिनी। ऑल राइट, चाइनाज प्रपोज्ड बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, चाइना का प्रपोज्ड बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंदर दो रूट्स आते हैं, सिल्क रोड इनिशिएटिव, मैरीटाइम सिल्क रोड इनिशिएटिव, जिसके अंदर अगर हम सिल्क रोड के बारे में बात करें तो यूरोप को सेंट्रल एशिया से कनेक्ट करते हुए चाइना से होते हुए साउथ चाइना सी, साउथ पैसिफिक एशियन पे कनेक्ट करने की बात की गई है। और यहीं हम मैरीटाइम सिल्क रूट की बात करें तो सेंट्रल एशिया साउथ चाइना सी से होते हुए साउथ ईस्ट एशिया, इंडियन ओशियन, स्ट्रेट ऑफ मलक्का, अरेबियन सी से होते हुए गल्फ ऑफ ओमान, जिबूती आइलैंड से कनेक्ट होके सेंट्रल एशियन कंट्रीज एंड यूरोपियन यूनियन कंट्रीज को कनेक्ट करने की बात की गई है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत। What is the IMEEC? India Middle East Europe Economic Corridor. जी बिल्कुल, भारत की तरफ का ये इनिशिएटिव है इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, द MOU for which was signed during the New Delhi G20 Summit. जी बिल्कुल, New Delhi G20 Summit के दौरान India Middle East
यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर साइन किया गया और वाइडली परसीव किया जा रहा है एज अ इनिशिएटिव लॉन्च टू काउंटर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को काउंटर करने के लिए इस IMEEC को लॉन्च किया गया। द गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, फ्रांस, जर्मनी, इटली, द यूरोपियन यूनियन एंड द यूनाइटेड स्टेट्स साइंड द MOU। किन इन कंट्रीज ने यहाँ पर मेमोरेंडम ऑफ यूनियन एसोसिएशन यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग साइन किया है विद दिस कंट्रीज एंड इंडियन गवर्नमेंट। द IMEEC सीक्स टू बोल्स्टर द कम्युनिकेशन एज वेल एज ट्रांसपोर्ट लिंक्स बिटवीन एशिया एंड द वेस्ट। एशिया एंड वेस्ट के लिए कम्युनिकेशन बिल्ड करने की बात की गई है। दिस वुड सी द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रेल एंड शिपिंग नेटवर्क्स एंड मोर। अनाउंसमेंट ऑफ IMEEC कॉरिडोर केम एट द टाइम व्हेन क्रिटिक्स हैव बीन पॉइंटिंग एट अ ओपेक प्राइसिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स अंडरटेकन बाय द चाइनीज कंपनी। जब यहां पर आप देख सकते हैं चाइना के प्रोजेक्ट के ऊपर जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इंपोज किए जा रहे थे उसको काउंटर करने के लिए IMEEC को कंटिन्यू किया गया है। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर के बारे में अगर हम बात करें, इंडिया को कनेक्ट करने की बात की गई है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, सऊदी अरेबिया, इजराइल, ग्रीस, UAE एंड ऑल अदर कंट्रीज। चलिए एक और इनिशिएटिव यहां पर है, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर साथ ही में नेकलेस ऑफ डायमंड, ये सभी स्ट्रेटेजीज टू काउंटर द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। आने वाले समय में इसके रिगार्डिंग क्या